सो ये है तित्तुर और ये मुझे काफी दिन बाद दिखा। तो आज क्यों ना ही हम इसका चित्र बनाएं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे, एक ओवल शेप, और उसकी पूंछ के लिए एक छोटी सी ऐसी पतली सी नोकदार एक आकृति, एंड उसके बाद हम यहाँ पे पंख को डिजाइन करेंगे कुछ ऐसे, जैसा कि आगे के दो हल्के से बड़े होते हैं, पीछे वाला हल्का सा छोटा होता है, राइट। एंड तित्तुर जो है हम लोगों ने काफ़ी बचपन में काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है, उस टाइम पे जब खेत में काम वगैरह होता है, जैसे कि पेपरमेंट वगैरह या धान लगने के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये सब उड़ते रहते, तो अभी तो काफ़ी कम दिखते हैं, वरना ये पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे। और बचपन में हम लोग इसकी जो पूंछ होती थी उसमें जो है बोरी का जो धागा होता था उसे निकाल कर इसकी पूंछ बांधते थे और पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करते थे। तो आज मैंने देखा काफ़ी दिन बाद, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसकी एक ड्राइंग बनाऊँ और लोगों तक मैं इसकी ड्राइंग को पहुँचाऊँ। वैसे हम लोग इसे गाँव की लैंग्वेज में इसे तित्तुर बोलते हैं, अभी इसका एग्जैक्ट नाम मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे इसका जो है ड्रैगन फ्लाई करके कुछ नाम दिखा रहा था इंग्लिश में, सो मैंने उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की तो, लेकिन वो उसमें उसका नाम भी वही दिखा रहा था हिंदी में भी, तो हम लोग इसको गांव वाली लैंग्वेज में जानेंगे जो कि वो बोलते हैं तित्तुर, एंड बाकी इंग्लिश में इसका ड्रैगन फ्लाई करके कुछ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय करिए।